गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कैश फ्लो फंड फ्लो रह गया था लास्ट। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कैश फ्लो फंड फ्लो में। देखिएगा, कैश फ्लो फंड फ्लो के क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको भिजवाई दूंगा, वो थोड़ा सा डिले हो गया मैं उसमें, तो मेरी खैर मिस्टेक हो गई है एक, और आपकी थ्योरी की बुक भी रह गई है, वो आपके पास 15 मार्च के आसपास पहुँच जाएगी सबके पास। नहीं पहुँचेगी तो अपने सेंटर से ले लीजिएगा, मतलब आपके पास पहुँच जाएगी वो टाइमली। थ्योरी में तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं उसमें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी है, बाकी कैश फ्लो फंड फ्लो के सारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं। हम लोगों ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, मैं आप लोगों को कैश फ्लो फंड फ्लो का पूरा बेसिक फंडा बता देता हूँ, और कैश फ्लो फंड फ्लो का एक एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देता हूँ। उस एग्जाम्पल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। एक बार हम सीखेंगे कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, फिर सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, और फिर समझेंगे कि फ़ंड फ्लो किस तरीके से बनता है। बहुत आराम से देखेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखेगा, कैश फ्लो फंड फ्लो के लिए जा रहे हैं हम स्टार्ट करने। देखेगा, देखिए, लिख लीजिएगा कैश फ्लो फंड फ्लो। पहले हम कैश फ्लो करने जाएंगे, फिर फंड फ्लो स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, फंड फ्लो स्टेटमेंट FFS, ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS ही लिख दूं इसे, CFS refers to the statement which provide information in respect of इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लासिफाइड इंटू 3 एक्टिविटीज, नेमली फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आपको बताएगा, और उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। मैं आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो कैश बुक है, बिल्कुल कैश बुक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बताएगी बिजनेस ऑपरेशन से आने वाला पैसा, जो बिजनेस की सेल से, बिजनेस के परचेस से, बिजनेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं। मैं आपको रेशो चैप्टर याद दिलाता हूँ, रेशो चैप्टर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक की ही कैलकुलेशन
बिजनेस ऑपरेशन है, यानी हम मटेरियल खरीदेंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देंगे, एडमिन देंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और हमारी सेल होगी। ये ऑपरेशन से आने वाला पैसा है, ये सब दिखाई देगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाई जाएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाला पैसा, जैसे कि कोई हमने बिल्डिंग खरीद के डाल रखी है, वहाँ से रेंट आ रहा है, कोई हमने किसी सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया, उससे हमारे पास डिविडेंड आ रहा है, तो ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। प्लस कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज सेल किया है तो वो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। एक आगे ये फिर है हमारे पास फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आएगा कि आपने कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज किया है या डिक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में, मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से इंक्रीज होती है, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई, आपने प्रीफ्रेंस शेयर इशू कर दिए, आपने डिवेंचर इशू कर दिए, इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी इंक्रीज होती है। डिक्रीज कैसे होती है, जैसे आपने बाईबैक कर दी इक्विटी शेयर, प्रीफ्रेंस शेयर को रिडीम कर दिया, डिवेंचर को रिडीम कर दिया, इस तरीके से ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज होती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज डिक्रीज होना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी आप इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को, वो सॉरी हाँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन को, या सोर्सेज जो भी हैं आपकी फंड की, सोर्सेज ऑफ फंड को आप क्या पेमेंट करते हो। फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, सोर्सेज ऑफ फंड है, लाइन गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिएगा। फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कवर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम मेन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। लाइक सेल्स, परचेज, वेजेज, प्रोडक्शन एक्सपेंस, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, एटसेट्रा। इट ऑल्सो कवर्स पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ एंटायर इनकम टैक्स, जितना भी इनकम टैक्स आपने इस साल दिया है किसी भी चीज पर वो सारा, एंड इनफ्लो आउटफ्लो या फ्लो ऑफ कैश, एंड फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू पेमेंट ऑफ एंटायर इनकम टैक्स एंड फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लाइक गवर्नमेंट सब्सिडी। अब देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक ही बार मिलती है लाइफ में, और नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ही है लेकिन मिलती लाइफ में एक बार है। कंपनसेशन टू वर्कर, वर्कर का मान लीजिए किसी मशीन में हाथ आ गया, उसका हाथ कट गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई है। अर्थक्वेक में आपका कुछ नुकसान हो गया, इस तरीके की एटसेट्रा, तो कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो नोट कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, इनफ्लो आउटफ्लो कैश का कवर करेगी मेन ऑपरेशन से, जैसे सेल परचेज वेजेज ये सब, और दूसरा ये कवर करेगा इनकम टैक्स, फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, गवर्नमेंट सब्सिडी, कंपनसेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। ये है हमारे पास ऑपरेटिंग
एक्टिविटी। बी, पहले नोट कर लेते हैं, एक एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कवर्स फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक रेंट ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे रेंट मिल गया तो आपका बिजनेस कोई बिल्डिंग रेंट पे देना थोड़ी है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया उस पर डिविडेंड आ गया एटसेट्रा, या इंटरेस्ट लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एटसेट्रा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, ये सब क्या है? बिल्डिंग, मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए, डिवेंचर लिए, ये सब किस पर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। मैंने पैसा लगा रखा है बाहर कहीं भी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में या कहीं भी, एक तो ये, एंड फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको कोई भी नॉन ट्रेड इनकम हो वो भी यहीं पर आएगी, रेंट मिले, डिविडेंड मिले, वो सारी चीजें। और दूसरा, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है या बेची है वो भी यहीं पर आएगी। कैश फ्लो बहुत आसान चीज है, लोग इसे भारी बनाकर बैठते हैं जबकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां तक पहुंचे हम लोग। इसके बाद में तीसरी एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कवर्स फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू डिक्रीज इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉय। इसका मतलब लाइक इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स इक्विटी और प्रेफरेंस कोई भी हो सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, टेकन बैंक लोन, अब पेमेंट पर आते हैं। ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बढ़ाई, अब पेमेंट करते हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, और ये जितनी भी चीजें कैश में होनी चाहिए, एक चीज ये ध्यान रखना है आपको, कैश फ्लो चल रहा है सब कैश में होना चाहिए। मान लीजिए हमने शेयर इशू करे हैं कोई बिल्डिंग खरीद कर, बिल्डिंग के बदले में हमने शेयर खरीदे, तो
ना तो शेयर के इशू होने से पैसा आया, ना ही बिल्डिंग के खरीदने पर पैसा गया। तो ना तो हम बिल्डिंग दिखाएंगे और ना ही हम शेयर्स दिखाएंगे। हम कहेंगे ना तो बिल्डिंग के आने पर पैसा गया, ना ही शेयर्स के आने पर पैसा आया, शेयर्स इशू करने पर। तो ये ध्यान रखना है, आपको कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स। ठीक है जी, तो ये तो हो गई। और पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ टर्म लोन, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हुई है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होगी। अब देखिएगा, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे कि फर्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन, पेमेंट ऑफ प्रीफरेंशियल डिविडेंड थर्ड, पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड दो तरीके का होता है, इंट्रीम और प्रपोज्ड। इंट्रीम ऑफ करंट ईयर, प्रपोज्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसे नोट कर लीजिएगा, सारा कंपाइल करेंगे अभी। ठीक है, डिविडेंड समझते हैं, इंट्रिम डिविडेंड का मतलब, इंट्रिम डिविडेंड का मतलब होता है इसी साल अनाउंस किया। होता क्या है डिविडेंड के लिए, डिविडेंड के लिए होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कंपनी के डिसाइड करते हैं कितना डिविडेंड दिया जाएगा। तो कई बार तो डिविडेंड ऐसा होता है कि इंट्रीम होता है, यानी इसी साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा डिविडेंड दे दो और वो दे दिया जाता है। दूसरा होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में पहले शेयर होल्डर की परमिशन लेनी होती है, तो परमिशन लेने में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। मतलब मान लो मैंने 2013 में अनाउंस किया, तो परमिशन मिलेगी 2014 में, एजीएम में मिलती है। एजीएम होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो इस चक्कर में परमिशन मिलने में इतनी देर हो जाती है कि अगर मैं इस साल डिविडेंड अनाउंस करूं तो उसकी पेमेंट अगले साल ही हो पाएगी। हमें तो जिस्ट पे जाना है। जिस्ट ये कहता है, इंट्रिम डिविडेंड अनाउंस्ड एंड पेड इन सेम ईयर, जिस ईयर में अनाउंस होगा उसी ईयर में पे हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, इसकी नेचर ये है इफ अनाउंस्ड इन करंट ईयर, इफ अनाउंस्ड इन 2012 देन विल बी पेबल या पेड इन 2013। इस तरह से रहेगी, 2012 में अनाउंस करो तो 13 में पेमेंट होगी।
एक सिंगल एग्जाम्पल आपके पूरे कैश फ्लो को करवा देगा, देखिएगा अभी पता चलेगा आपको। देखिए पहले पूरा कंपाइल कर देता हूं। देखिए हमें कैश का आना और जाना दिखाना है, तीन पार्ट में क्लासिफाई करा है। एक ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के अंदर बिजनेस ऑपरेशंस की बात की जाएंगी, सेल परचेज ये सारी चीज़ें, कोई नॉन ऑपरेटिंग बात नहीं की जाएगी, ठीक है। इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग के अंदर ही दिखाए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी सब बिजनेस का, इनकम टैक्स पूरा जितना भी हो वो सारा का सारा, और आपका जितना भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ये सारी चीज़ें ले लेंगे। फिर आपके पास आएगी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के अंदर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट खरीदो और बेचो दिखा दो, और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस से इनकम हो वो दिखा दो, ठीक है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग आपके ध्यान रखेगा सोर्सेज ऑफ फंड पर, कैपिटल एम्प्लॉयड आना, कैपिटल एम्प्लॉयड वापस करना, ये चीज़ें, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी पेमेंट करना। इतना सा समरी है इसकी, बहुत सिंपल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं समझते हैं, धीरे धीरे करिएगा आराम आराम से समझ कर। अगर बेसिक मॉडल समझ में आ गया तो फिर आगे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, और कॉस्ट इसमें अकाउंट में और आपके एफएम में जो कैश फ्लो है वो सेम है, जो कैश फ्लो फंड फ्लो है वो सेम है। फंड फ्लो जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, कैश अकाउंट में और एफएम में। अगर आपने अकाउंट में किया हुआ है तो कोई नीड नहीं है अलग से करने की, वही सफिशियंट है, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उसे करना चालू करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं आपको ट्रेडिंग पीएल दिखाता हूँ। ट्रेडिंग पीएल साथ के साथ बनाते जाइएगा। ठीक है जी, ट्रेडिंग पीएल। ले लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू रॉ मटेरियल परचेज, टू वेजेज बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग सेल ले लेता हूँ 50 लाख रुपए की हमने, क्लोजिंग स्टॉक ले लेता हूँ 2 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूँ 1 लाख रुपए, रॉ मटेरियल परचेज मान लेता हूँ 15 लाख का, वेजेज मान लेता हूँ 8 लाख रुपए की हैं, आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों को ध्यान होगा एनपीओ सब ने पूछा है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। मान लेता हूँ इस साल के 50,000 देने बचे हैं, पिछले साल के 40,000 देने बचे थे, तो 8,10,000 रुपये की वेजेज है, बिल्कुल एनपीओ जैसा 8,10,000 की वेजेज है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फैक्ट्री एक्सपेंस मान लेता हूँ 6,80,000, एड ये भी आउटस्टैंडिंग मान लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 70,000 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1 लाख, छह लाख 50,000, ठीक है, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। फिफ्टी टू लैख।
21,40,000। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। आ जाते हैं एडमिन सेलिंग बाई ग्रॉस प्रॉफिट। इक्कीस लाख चालीस हजार टू एडमिन और सेलिंग आएंगे यहां पर, एडमिन एंड सेलिंग। रेंट मान लेता हूं इसके अंदर, एक ही खर्चा मान लेता हूं रेंट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी रेंट सैलरी वैलरी कुछ भी हो सकता है। रेंट मान लेता हूं पेड, रेंट पेड है 5 लाख रुपए, लेस प्रीपेड करंट ईयर मान लेता हूं प्रीपेड है, करंट ईयर का प्रीपेड है 80,000। एड प्रीपेड प्रीवियस ईयर 60, तो एक्रू होगा 5,20,000। एक्रूअल बेसिस पर बनता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। एक खर्चा आता है डेप्रिशिएशन टू डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन मान लेता हूं मेरे पे दो एसेट हैं, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। 1 लाख रुपए बिल्डिंग पर और 1,50,000 प्लांट एंड मशीनरी पर। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। ये एक जनरल एरिया है, इसके बाद में हम ले लेते हैं बाई गवर्नमेंट सब्सिडी। मुझे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, नॉर्मल आइटम नहीं है, हर बार नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। कंपनसेशन देनी पड़ी वर्कमैन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अर्थक्वेक में एक्सीडेंट में हमारी बिल्डिंग धस गई, गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिली, कुछ इस तरीके का अलग सा ही लिखा होगा। देख लीजिएगा जो नॉर्मल बिजनेस से हटकर है और बार बार नहीं होता। मान लीजिए अर्थक्वेक में आपका मकान आ गया, मतलब आपकी ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दी, तो एक्विजिशन इस तरीके की चीज कुछ होगा, लिखा होगा, समझ में आ जाएगा। वैसे आता नहीं है एग्जाम में पॉइंट, ये तो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, एग्जाम में तो बहुत सिंपल आएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी मान लेता हूँ 5 लाख की मिल गई, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। ठीक है, बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेता हूँ। अब ये ऑपरेटिंग की इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। जैसे मान लेता हूँ रेंट रिसीव्ड, कोई बिल्डिंग है उस पर रेंट मिल गया मुझे, ठीक है 50,000। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिल गया, मैंने किसी एसेट में पैसा लगाया था किसी कंपनी के शेयर में, उस पर डिविडेंड मिल गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेच के फायदा हो गया, बिल्डिंग बेचते हैं, बिल्डिंग बेच के फायदा ले लेता हूं पहले 80,000। 5 लाख की बिल्डिंग 5,80,000 में बेच दी, 5,80,000 में बेच दी 5 लाख की बिल्डिंग, ये सेल वैल्यू और ये WDV। ठीक है जी, 80,000 का फायदा हो गया, अपने मन से ही लिखते जा रहे हैं हम ये सब कुछ। ठीक, आगे चलते हैं। टू ऐसे ही लिख लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिल्डिंग हमने फायदे पे बेच दी, प्लांट को नुकसान पे बेच देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को बेच देते हैं
120,000 के नुकसान पर, बेच देते हैं 3 लाख रुपए में, बेच देते हैं 4,20,000 वाला प्लांट, 1/20 का नुकसान हो गया, WDV सेल वैल्यू, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ले लिए, सब कुछ ले लिया, डेप्रिसिएशन ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मान लेता हूं 10 लाख के डिवेंचर है, 12% इंटरेस्ट है, 1,20,000 का इंटरेस्ट दे दिया। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं अभी, पहले देखता हूं कितनी कमाई है, 21,40,000, 5 लाख, 80 80 माइनस 5,20,000, 2,50,000, 1,20,000, 19,10,000 की कमाई है, 1,20,000 हो रहे, 40% टैक्स मान लेता हूँ, 7,16,000 का प्रोविजन, ये आ गया नेट प्रॉफिट। दस लाख 74,000, ये मेरा ट्रेडिंग पीएल पूरा हो गया। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, जब आप एग्जाम्पल घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक कितना सही एग्जाम्पल आपके साथ हो गया, एक ही एग्जाम्पल में काम खत्म। इसका अपना कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन मान लेता हूं इसका 2,10,000, बाई नेट प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट है 10,74,000, तो टोटल पैसा हो गया आपके पास 12,84,000 टू जनरल रिजर्व। कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए ले जाते हैं। टू प्रीफरेंशियल डिविडेंड, टू प्रीफरेंशियल डिविडेंड मान लेते हैं 15% डिविडेंड देना है और 8 लाख के प्रीफरेंस शेयर है, 1,20,000, ठीक है जी। मान लेता हूँ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स भी है, 2CDT, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स होता है, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स होता है आपका डिविडेंड के ऊपर, तो ये मान लेते हैं कि डिविडेंड के ऊपर प्रीफरेंशियल डिविडेंड पे CDT है, प्रीफरेंस पे मान लेते हैं, आप प्रीफरेंस सीख जाओगे तो उस पर भी आ जाएगा। CDT क्या होता है कि आप अगर किसी को डिविडेंड देते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं मान लेता हूँ 10% है, वैसे 15% है, सरचार्ज लगा के 16.995 आता है, पर 10% मान लेते हैं ऑफ 120, 12,000 रुपये का तो हमने डिविडेंड टैक्स दे दिया, ठीक है। टू इंट्रिम डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर का आ गया, इंट्रिम डिविडेंड, इंट्रिम डिविडेंड दे देते हैं हम 3 लाख रुपए, और इंट्रिम डिविडेंड का मतलब इसी साल अनाउंस हुआ है, इसी साल पे होगा ये। टू प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का मतलब है ये पे होगा नेक्स्ट ईयर, विल बी पेड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए मान लेते हैं। बारह लाख चौरासी हजार टू बैलेंस CD,
5,52,000 बैलेंस अभी हमारे पास प्रॉफिट में बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। फिर थोड़ी ही देर में आप कैश फ्लो पूरी तरीके से सीख जाएंगे। बैलेंस शीट इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब आते हैं बैलेंस शीट पर। सभी ने कॉपी कर लिया होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 2 साल की बनाई जाती है। लास्ट ईयर और करंट ईयर बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, मैं पहले अपने मन से लाइबिलिटीज लास्ट ईयर ले लेते हैं 2013 और करंट ईयर ले लेते हैं 2014। एसेट्स 2013 2014, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर मैं मान लेता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम है, फिर मैं मान लेता हूँ जनरल रिजर्व है, फिर मैं मान लेता हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, 15% के रेट से प्रीफ्रेंस शेयर है, 12% के रेट से डिवेंचर लिए हमने ऊपर, ओके कोई लॉन्ग टर्म लोन मत लो, ये सब प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है। आउटस्टैंडिंग वेजेज थी और प्रोडक्शन, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्रेडिटर्स होंगे, जनरली ये सब कुछ रहता है। ठीक है, एसेट में कम रहता है, हमेशा लाइबिलिटीज में ही ज्यादा होता है। ये हमारी लाइबिलिटीज एसेट, ये सब ऐसे लिख लीजिएगा, फिर अमाउंट फिल कर लेंगे। असल में दोनों बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए ना, एग्जाम्पल चल रहा है, गलती ना हो जाए कहीं। फिक्स्ड एसेट्स में मैं ले लेता हूँ बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, जैसे हमने क्वेश्चन में यूज भी किया इनका। इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे नाम लिख देता हूँ बस, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और इसमें मैं ले लेता हूँ, ये तो हो गया यहाँ तक ही ख़त्म। एसेट्स में, करंट एसेट्स में बात करूँ तो डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, बीआरबी डेटर में मान लेता हूँ, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म एडवांस या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं ये इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मानते हैं, या ओब्लिक लिख देता हूँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, एक ले लेता हूँ एडवांस दिया था प्रीपेड रेंट, आई थिंक ये सब कुछ है। कुछ गड़बड़ हो सकती है तो मेरे को बाद में करेक्शन करना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल में हो सकता है भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए। वैसे मेरे हिसाब से यही सब कुछ होना चाहिए, गलती होने के चांस कम ही है। इसे नोट कर लीजिए पूरे को इस तरीके से,
फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अमाउंट बढ़नी चालू करते हैं। मैं मान लेता हूँ मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख थी, जो अब 14 लाख हो गई, यानी मैंने शेयर इशू किए होंगे 8 लाख से 14 लाख हो गए शेयर इशू किए, 6 लाख के। सिक्योरिटी प्रीमियम 20 हज़ार था, अब 80 हज़ार हो गया, तो 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू की है और 60 हज़ार रुपये प्रीमियम भी मिल गया उस पर। इस तरह से बैलेंस शीट डिजाइन होती है। जनरल रिजर्व में मान लेता हूँ पहले 4 लाख रुपए था और अब मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व में मैंने कितना ट्रांसफर किया, 1 लाख, तो वो हो गया 5 लाख रुपए। अब पीएल अप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 210 और 552, 210, 552। प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल कितने पर कर रहे हो भाई आप, 8 लाख पर, तो मान लेता हूँ पहले 10 लाख थे, अब रिडीम होकर 8 लाख रह गए, कुछ रिडेम्पशन भी तो, डिवेंचर भी रिडीम कर देते हैं। डिवेंचर पे कितने पे इंटरेस्ट दिया है, डिवेंचर 10 लाख पर, तो ये कर देते हैं 15 लाख से 10 लाख। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स पिछला मान लेता हूँ इस साल का कितना है, पहले ये देखो 7 लाख 16 हज़ार, पिछले साल का मान लेता हूँ 5 लाख 10 हज़ार, इस साल का मान लेता हूँ 7 लाख 36 हज़ार। प्रपोज्ड डिविडेंड, इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है 2 लाख, तो इस साल का तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा, पिछले साल का मान लेता हूँ 1 लाख 50 हज़ार, वो इस साल पे हो गया होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज हैं पिछले साल की 40 और इस साल की 50। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेज के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं पिछले साल के 1 लाख अब 70। क्रेडिटर अपने मान से मान लेता हूँ पिछले साल 4 लाख थे, इस साल 5 लाख हो गए। ये 1 लाख और 70 वाला चेक कर लूँ, मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चर और कहीं से देख लिया मैंने। ठीक है, ठीक देखा है, करते हैं टोटल। एक साइड का टोटल आए पहले 8 लाख प्लस 20 हज़ार प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख 10 हज़ार प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख 5 लाख 10 हज़ार, 1 लाख 50 हज़ार, 40 हज़ार, 51 लाख 53 हज़ार, 51 लाख 30 हज़ार। चेक कर लेता हूँ एक बार, 8 20 4 2 10 10 15 5 10 1 50 40 1 और 4 5। ठीक है, 14 लाख 80 हज़ार, 5 लाख 5 लाख 52 हज़ार, 8 लाख 10 हज़ार, 7 लाख 36 हज़ार, 2 लाख 50 हज़ार, 70 हज़ार, 5 लाख, 58 लाख 88 हज़ार। ठीक है, एक तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है ना, गलती के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, फिर गलती हो जाए तो दिक्कत नहीं है, ढूंढने में बड़ी दिक्कत लगती है। 14 लाख रुपए, 80 हज़ार, 5 लाख 5 52, 8 लाख 10 लाख, 736, 2 लाख रुपए, 50 हज़ार, 70 हज़ार, 5 लाख। ठीक है, अब इधर की साइड बढ़ते हैं। प्रीपेड रेंट तो गिवन है, प्रीपेड रेंट है जी
60,000 पिछले का और 80, 60,000 80,000। स्टॉक भी दिया हुआ है, स्टॉक है 1 लाख 2 लाख। डेटर्स मान लेता हूँ पहले 6 लाख थे और अब 8 लाख हो गए। इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ 12 लाख के पिछले साल थे, इस साल 18 लाख के हो गए। ठीक है, खरीद लिए साल। बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए 1 मिनट रुकना होगा, पहले बिल्डिंग पर आके देखता हूँ। बिल्डिंग हमने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया है, बिल्डिंग 5 लाख वाली बेच भी दी, 5 लाख की बेच दी, 1 लाख का डेप्रिसिएशन 20 लाख की मान लेता हूँ, 1 लाख का डेप्रिसिएशन बची 19, 19 में से 5 की बेच दी बची 14 लाख, 14 लाख की बची तो हम मान लेता हूँ 24, 10 लाख की खरीद ली इस साल। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है जी, ये रहा, 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन, 4 20 की बेची, बारह लाख की मान लेता हूँ, 12 नहीं 9 लाख की मान लेता हूँ, 51 है ना, 10 20 30 40, हाँ ठीक है 9 लाख की मान लेता हूँ। 9 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी 9 लाख, माइनस 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन, माइनस 4 लाख 20 हज़ार की डब्ल्यू डी की बेची, 3 30 की बची होगी, इसको ऐसे ही मान लेता हूँ, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास बचता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। मान लेता हूँ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थी हमारे पास 50 हज़ार की और अब है 60 हज़ार की। ठीक है, और अब जरा टोटल करके देखते हैं, 51 30, 20 लाख प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 10 हज़ार माइनस 51 लाख 30 हज़ार, 2 लाख 20 हज़ार, 2 लाख 20 हज़ार का कैश इन बैंक, 24 3 30, 18 8 2 60 80, 56 70 माइनस 58 80, 88 अरे सारा गड़बड़ हो गया, तो फिर से टोटल 24 लाख, 3 लाख 30 हज़ार, 18 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 60 हज़ार, 80 हज़ार माइनस 58 लाख, 88 हज़ार, 2 लाख 18 हज़ार। ठीक है जी, इस तरह से आपको बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई गड़बड़ अगर आपको मिल रही है तो आप ठीक कर लीजिएगा, मैं बाद में ठीक कर लूँगा जब मुझे मिलेगी, क्योंकि असल में मैं एग्जाम्पल चल रहा है तो आप ना मुझे बता सकते हैं गड़बड़ ना मैं सुन सकता हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो वो मिल ही जाएगा, कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ जी, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को फिर से सारा का सारा याद दिलाता हूँ, तीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा प्लस इनकम टैक्स जो दिया हो आपने, प्लस आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कुछ आया हो,
दूसरा दूसरा केस है हमारे पास इन्वेस्टिंग, कोई भी मशीन खरीदी बेची, फिक्स्ड एसेट्स खरीदी बेची, इन्वेस्टमेंट खरीदे बेचे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई भी आई हो, डिविडेंड मिला हो, रेंट मिला हो, वो सब। तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड आई हो, गई हो, इशू किए शेयर, रिडीम किए, कुछ भी, और आपने कोई भी इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, वो सब। इस तरीके से कैश फ्लो बनाना है। दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS। बाई अप्लाइंग फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग में फर्क पड़ जाता है। सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड। एंड ये हो गया एक, तो ये हो गया हमारे पास ए। फिर बी और ले लेता हूं, प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट FFS, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। इनडायरेक्ट मेथड होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अगर क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से कहता है तो वो इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा है। मैं आपको ये तीन चीज़ें इस एग्जाम्पल के अंदर सिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, एक ही एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर कर देगा आपको। हाँ जी, देखिएगा, बढ़ा रहा हूं इसे। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप क्या करिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अच्छी खासी जगह छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा वर्किंग नोट्स। तो हम क्या करेंगे, एक पेज पर स्टेटमेंट बनाते रहेंगे, दूसरे पेज पर हम वर्किंग नोट बनाते रहेंगे। पूरा पेज चाहिए, पूरा पेज लगेगा आपका, ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। दूसरे पेज पे हम वर्किंग नोट बनाते रहेंगे 1 2 3 4 करके। चलिए जी, एक पेज पर स्टेटमेंट बनाएंगे, दूसरे पे वर्किंग नोट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल। देखिए, सबसे पहले लेता हूं मैं ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसे लोग CFOA भी कहते हैं, CFOA, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का नाम है CFIA, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और फाइनेंसिंग का नाम है CFFA, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है, समझदारी है, फुल फॉर्म लिखिए। देखिएगा, बिल्कुल सिंपल, हमें बिजनेस ऑपरेशंस की बात करनी है, सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस की बात करनी है। सेल से कितने पैसे आए, पेमेंट क्रेडिटर को कितनी करी, वेजेज कितनी दी, प्रोडक्शन ओवरहेड कितने दिए, एडमिन सेलिंग कितने दी, दैट्स इट, बस। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है।
आप देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या कैश फ्लो ऐसा ही था, क्योंकि आप लोग बड़ा भारी करके पढ़ते हुए आ रहे हैं बड़े लंबे टाइम से। देखिएगा, सबसे पहले सेल, सेल है 50 लाख, डेटर देखिए कितने रुपए के हैं, डेटर 6 लाख रुपए के ओपनिंग थे, क्लोजिंग 8 लाख रुपए के हैं। बताइए कितना पैसा आया होगा मुझे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सबसे पहले पैसा कलेक्ट करिए, बिल्कुल सिंपल है। डेटर्स ओपनिंग है 6 लाख के, 6 लाख के स्टार्टिंग में थे, 50 लाख की हमने इस साल सेल की, मैं मान रहा हूँ सारी क्रेडिट है, क्लोजिंग 8 लाख के हैं। बताइए उन्होंने पैसा कितना दिया, बिल्कुल सिंपल बात है, डेटर्स ने 48 लाख रुपए दिए होंगे। 50 लाख की सेल, 6 लाख के डेटर, अब 8 लाख के हो चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक कलेक्शन होता है बिजनेस में, बाकी सब पेमेंट है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर आते हैं। देखिएगा, मटेरियल कितने रुपए का खरीदा आपने इस साल, रॉ मटेरियल परचेज है 15 लाख का, ठीक है, 15 लाख का खरीदा, क्रेडिटर 4 लाख के थे, अब 5 लाख के हैं, 4 लाख के क्रेडिटर थे, हमने 15 लाख का सामान खरीदा और अभी 5 लाख अभी भी देने बाकी हैं, ठीक है, 4 लाख का सामान, 15 लाख परचेज माइनस 5 लाख अभी भी देने बाकी हैं, 14 लाख रुपए इसका मतलब हमें क्रेडिटर्स को पे करे, ये नेगेटिव फिगर है, पेमेंट की है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट फॉर वेजेज की पेमेंट की है आपने, प्रोडक्शन एक्सपेंसेज की पेमेंट की है आपने, आपने पेमेंट की है एडमिन एंड सेलिंग की, जो रेंट है, एडमिन एंड सेलिंग हमने रेंट के नाम से ले लिया था, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग बिजनेस के खर्चे हैं। आ जाते हैं वापस, चलते हैं ट्रेडिंग पीएल पर, वेजेज की पेमेंट कितनी की है, 8 लाख, पेमेंट से मतलब है ये तो एक्रूअल है, ड्यू 8 लाख 10 हजार हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, पे कितने करें, 8 लाख, तो हमें 8 लाख से मतलब है, 8 लाख ये पे करे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे करे आपने, एक मिनट लिख लेता हूँ, 8 लाख ये पे करे, 86, रेंट कितना पे करा आपने, 5 लाख का आपने रेंट पे किया, ठीक है, ये सब हमने पेमेंट की है। डेप्रिशिएशन बताइए, डेप्रिशिएशन नॉन कैश है, नॉन कैश है तो कोई पेमेंट नहीं, ठीक है, उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी कोई ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई, चल के लिखते हैं, वेजेज की पेमेंट है 8 लाख, 8 लाख की पेमेंट करी वेजेज की, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की पेमेंट है 680 और रेंट की पेमेंट है 5 लाख, ये पेमेंट चली गई, बस इतना ही करना होता है, ये है कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, निकाल लीजिए, 48 लाख रुपए आए माइनस 14 लाख रुपए गए माइनस 8 लाख रुपए गए माइनस 680 गए माइनस 5 लाख गए, 14 लाख 20 हजार रुपए आए लेस पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद में आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है हमारे पास, गवर्नमेंट सब्सिडी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये जो मैं कैश फ्लो लिख रहा हूं ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चल रहा है, तो इंप्लाइड होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एड, गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिल जाएगी,
ये हमारा इनफ्लो है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए ये हो जाएगा हमारे पास टोटल ए, काम खत्म, इतना करना होता है हमें। पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए वर्किंग नोट बनाना होगा, इतना नोट करिए पहले, फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। हाँ जी, चलते हैं अब इनकम टैक्स देखना है हमें। इनकम टैक्स कैसे निकला है, चलो जी इनकम टैक्स निकालते हैं। इस साल इनकम टैक्स का प्रोविजन 7,16,000। पहले मैं चलकर आपको बताता हूं, वर्किंग नोट वन लिखेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये अकाउंट किस तरह से बनता है, ये अकाउंट इस तरह से काम करता है। यहां पर आता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का प्रोविजन। यहां पर आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस साल का प्रोविजन। यहां पर आती है कोई टैक्स की पेमेंट हुई हो तो बैंक, और यहां पर आता है इस साल का प्रोविजन। ये करंट ईयर प्रोविजन कितना बनाया आपने, और यहां पर आती है करंट ईयर पेमेंट ऑफ टैक्स। इस तरह से अकाउंट वर्क करता है। तो हमने इस साल प्रोविजन बनाया है 7,16,000 का, ठीक है। पिछले साल का प्रोविजन कितना था वो बैलेंस शीट में जाकर मिलेगा आपको। पिछले साल का प्रोविजन था 5,10 और अब है 7,36। 5,10 प्रोविजन था पिछले साल और इस साल बचा हुआ है 7,36। बस अकाउंट बैलेंस मिला दीजिए, आपके पास आ जाएगा 12,26,000। 12,26,000, 12,26,000 माइनस 7,36,000, 4,90,000 की इस साल आपने पेमेंट की है बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से वर्क करेगा ये। ओपनिंग बैलेंस ले आइए, बस नोट करते रहिएगा, दिमाग मत लगाइएगा, मैं जो कह रहा हूं बस आप लिखते रहिए। 100% घर पे बैठ के पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ जी, 5,10,000 बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस साल का प्रोविजन 7,16,000, 4,90 की पेमेंट कर दी हमने, 7,36 अभी बचे हुए हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स आपने कितनी करी अभी हमने निकाला, 4,90,000। ओके, 4,90,000 की हमने पेमेंट करी है, 4,90,000 की टैक्स की पेमेंट कर दी हमने, तो 14,20,000 कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस 4,90 की पेमेंट, 9,30,000 रुपये बचे हम पर। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी इतने में, गवर्नमेंट ने कितने की सब्सिडी दे दी भाई, सब्सिडी मिली थी 5,00,000 की सब्सिडी, 5,00,000 की सब्सिडी मिल गई, ठीक है। 9,30,000 प्लस 5,00,000 की सब्सिडी, 14,30,000 का कलेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ, इंक्लूडिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हुआ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सबसे भारी मानकर चलते हैं बच्चे, इसके बाद वाला आसान है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, नोट कर लीजिएगा।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मशीनों का खरीद बेच लेनी हमें, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो तो वो लेनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास रेंट डिविडेंड आया, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, पहले तो ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है जी, 50,000, 30,000, ये दोनों आ गए सबसे पहले। इसके बाद में सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीन, पैसा आएगा ये इससे भी। बिल्डिंग हमने बेची 580 में और मशीन बेची, प्लांट बेचा 3 लाख में। ये 580 में बेची, ये 3 लाख में बेची। ठीक है, 580 से बेच के आए, 3 लाख इसे बेच कर आए। ठीक है, अब चेक करना है आपको इसके बाद बिल्डिंग और मशीन का बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखिए अकाउंट कैसे मैच करते हैं, वो मैच करना सिखाता हूँ आपको। देखिए, आप जाइए बैलेंस शीट पे, बिल्डिंग देखिए 20 लाख की थी। ठीक है, 20 लाख की बिल्डिंग, 20 लाख की बिल्डिंग पर सबसे पहले जाकर डेप्रिसिएशन लगाइए 1 लाख का। 20 लाख की बिल्डिंग में से, 20 लाख की बिल्डिंग में से 1 लाख का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो, 19 लाख बचे। ठीक है, 19 लाख रुपये की बिल्डिंग, जिसमें से 5 लाख रुपए की कॉस्ट की बिल्डिंग हमने बेच दी। ठीक है, 19 लाख में से 5 लाख रुपए वाली बिल्डिंग हमने बेच दी, कितने की बिल्डिंग बची? 14 लाख की बिल्डिंग। क्या हमारे पास बैलेंस शीट में 14 लाख की बिल्डिंग है? नहीं, इसका मतलब या तो हमने खरीदी है या तो बेची है, हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। या तो खरीदी है या तो बेची है, वर्किंग नोट पर आ जाइए, बिल्डिंग अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 20 लाख की बिल्डिंग, ओके, डेप्रिसिएशन लगाओ, बाई डेप्रिसिएशन 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, बिल्डिंग को बेचो, बाई सेल्स, कितने में बेचा जी? 580 में, 5,80,000 में बेचा, तो 80,000 का प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जिससे मैच हो जाए, प्रॉफिट ऑन सेल 80,000। ठीक है जी, अब बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? बैलेंस सीडी आ रहा है 24 लाख, आना चाहिए कायदे में 14 लाख। इसका मतलब 14 लाख की जगह 24 लाख आ रहा है, तो आपने बिल्डिंग को खरीदा है। कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी है? बिल्कुल सिंपल है, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है। जल्दी से बना लीजिए,
हाँ जी, अब जरा प्लांट एंड मशीनरी का चेक करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख रुपए की थी, माइनस डेप्रिसिएशन 1.5 लाख। 9 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन, माइनस कितने रुपए की बिल्डिंग बेच दी, WDV देखनी है, 4,20,000 की, 4,20,000 की बेच दी, 3,30 की बची, दिखा भी कितनी रखी है, 3,30, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्लांट मशीनरी में ना खरीदा है ना बेचा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट 12 लाख से 18 लाख के हो गए, यानी 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे, ठीक है जी। परचेज ऑफ बिल्डिंग वर्किंग नोट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो क्लियर दिख रहा है, 18 लाख का हो गया 12 लाख से। छह लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा है और बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख की, खत्म। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी, 50,000 आए, 50,000 आए, 30,000 आए, 580 आए, 3 लाख आए, माइनस 10 लाख गए, माइनस 6 लाख गए, 6,40,000 नेट गए। नेगेटिव है इसका आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाएगा, परचेस सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैपिटल एम्प्लॉयड का जाना आना दिखाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर 8 लाख से 14 लाख इशू किए हैं, प्रीमियम 20,000 से 80,000, यानी 60,000 प्रीमियम पर। इशू ऑफ शेयर्स कौन से, इक्विटी इंक्लूडिंग प्रीमियम, चौदह लाख रुपए हो गए 8 से, 14 लाख रुपए हो गए 8 लाख से, प्लस 80,000 का प्रीमियम हो गया 20,000 से, तो 6,60,000 रुपए में आपके शेयर्स इश्यू हुए इंक्लूडिंग प्रीमियम, पैसा आ गया। प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल पर आएंगे उसके बाद, 10 लाख से 8 लाख रिडीम हुई है, दो लाख रुपए रिडीम, पैसे गए 10 से 8, लिख दो एक मिनट फिर लिखते रहना आप डिवेंचर, ठीक है, मतलब साथ ही साथ लिखते रहो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। पंद्रह लाख से 10 लाख, 5 लाख रुपए डिवेंचर्स को दे दिए, बस यही कैपिटल एम्प्लॉयड के मेन मेन पार्ट है, लॉन्ग टर्म लोन ही होता है बस, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बस, आपने इंटरेस्ट दिया होगा डिवेंचर को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आपने प्रीफरेंशियल डिविडेंड दिया होगा, प्रीफरेंशियल डिविडेंड प्लस आपने सीडीटी दिया होगा, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स था उसके साथ, ठीक है, आपने इक्विटी डिविडेंड भी दिया होगा, इक्विटी डिविडेंड पे भी सीडीटी हो सकता है पर हमने उसे दिखाया नहीं क्योंकि एक बार में बच्ची बात समझ में आ जाती है, तो इंटरिम डिविडेंड इस साल वाला और प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला,
प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर वाला इस साल पे होगा। इंटरेस्ट के लिए पीएल में जाना होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,20,000 गया। प्रीफ्रेंशियल डिविडेंड 1,20,12,000 सीडीटी 1,32,000 1,20 + 12 इंट्रीम डिविडेंड 3,00,000 प्रपोज्ड डिविडेंड ये तो इस साल का है ये नहीं प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा पिछले साल का इस साल पे होगा 1,50 खत्म। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अच्छा सी टोटल चेक कर लीजिए 6,60,000 आए माइनस 2,00,000 गए माइनस 5,00,000 गए माइनस 1,20,000 गए माइनस 1,32,000 गए माइनस 3,00,000 गए माइनस 1,50,000 गए 7,42,000 गए। टोटल कैश फ्लो इस साल कितना पे कैश फ्लो हुआ ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर लीजिए। पहली एक्टिविटीज में 14,30,000 आए ठीक है दूसरी में 6,40,000 गए ठीक है तीसरी में 7,42,000 गए 48,000 नेट एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है जी। बैलेंस शीट में जाके मिलेंगे आपको ये 2,20,000 का कैश 50,000 रुपये ओपनिंग ये आ गए हम पर तो 2,70,000 हमारे पास ओपनिंग थे 2,20 और 50 2,70। क्वेश्चन का आंसर तो बिगड़ गया। क्वेश्चन के आंसर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई हमसे। दो लाख बीस हजार प्लस 50 2,70,000 हमारे पास थे। हमारा बैलेंस आना चाहिए यहां पर आंसर में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो आना चाहिए 3,18,000 पर आ नहीं रहा। ऐसी क्या चीज़ रह गई एक बार देख लीजिएगा प्लीज जाकर पीछे क्या चीज़ मिस करी हमने। एग्जाम्पल में यही दिक्कत है बस। हाँ, ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे। 48,000 कैसे आए जरा चेक करते हैं। 6,60,000 माइनस 2,00,000 माइनस 5,00,000 माइनस 1,20 माइनस 1,32 माइनस 4,50 7,42 माइनस के प्लस माइनस के 6,40 प्लस 14,30 गड़बड़ी यहाँ पर है।
हाँ जी, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए कायदे में 2 लाख, 3 लाख, 18 हजार, 3 लाख 18 हजार आना चाहिए। चेक करिए आप मिस्टेक कहाँ पर आ रही है, एक बार चेक करिए। हाँ जी, देखिएगा ये गड़बड़ हो गई थी रेंट में, प्रीपेड करंट ईयर का 80 और ये 4.80 आना चाहिए था, ये 5.20 हो गया। अब लंबी चौड़ी करेक्शन करने से बेटर, बहुत सारी करेक्शन हो जाएगी, मैं इसके अंदर करेक्शन कर देता हूँ, इसको मैं 80 की जगह 40 कर देता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। आप इसे 80 की जगह 40 कर दीजिएगा, 80 की जगह 40, देखिए बड़ा एग्जाम्पल होता है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। 80 की जगह 40 कर दीजिएगा, नीचे भी 80 की जगह 40 कर दीजिएगा, ये 80 की जगह 40 कर दीजिएगा, और ये आप जो 40 हजार कम हुए हैं वो 40 हजार इसमें बढ़ा दीजिए, इसे 60 हजार की जगह 1 लाख कर दीजिए, बस फिर हो जाएगा सही। एक्सपेक्टेड होता है इस एग्जाम्पल में, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में एरर हो ही जाती है, एग्जाम्पल बनाने में इतना लंबा हो जाता है ये, ठीक है इसे ठीक कर लीजिएगा। रेंट वाले में पोर्शन में दिक्कत थी, वो हमने 80 कर रखा था, 80 नहीं 40 कर दीजिए, और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ था आपका 2.20 और 50, 2.70, क्लोजिंग हमारे पास आना चाहिए 3.18, तो वो आ गया 2 लाख 18 हजार और 1 लाख, 3 लाख 18 हजार हमारे पास आ जाएगा, ठीक है 3 लाख 18 हजार कर देते हैं आगे। ये हमारे पास आ गया 3 लाख 18 हजार, और ऐड करके दिखा दीजिएगा ब्रैकेट में, ये 2.18 और 1 लाख, ठीक है जी। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे यहीं से इसी का इनडायरेक्ट मेथड। 10 मिनट का ब्रेक है, यहीं से इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे।
देखिएगा, अब हमें सीखना है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड अब आपको करवाने चालू करता हूँ मैं। मुझे पता है इसमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा लंबा ब्रेक ले लिया था। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर अब आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग में। फ़र्क किस तरह से पड़ेगा वो देखिएगा, बहुत आसान है। अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए मतलब कैश फ्लो तो अब आपके लिए ऐसा हो जाएगा बहुत ईजी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट कैश फ्लो का आपको क्लियर होगा। देखिएगा, अब मैं बना रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये लिया था मैंने पार्ट वन। अब मैं ले रहा हूँ पार्ट टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड से यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको क्लियर बता दूं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। AS3 से भी यही है। सबसे पहला पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और मुझे सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिखानी है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं। इन्होंने क्या किया, ये बोले कि अब हम डायरेक्ट तरीके से नहीं आएंगे। डायरेक्ट तरीका तो आपने देख ही लिया, सेल भाई सेल का टोटल करो, परचेज का टोटल करो और कहानी खत्म कर दो। ये बोले अब हम डायरेक्ट तरीके से नहीं करेंगे जी, तो बोले अब हम इनडायरेक्ट चलेंगे नीचे से। चलो जी नीचे से चलते हैं। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, बेसिकली मुझे चाहिए क्या, सेल से कितना पैसा आया, परचेज पे कितना पैसा गया, वेजेज पे कितना पैसा गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे कितना पैसा गया, एडमिन सेलिंग पे कितना गया, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनकम टैक्स कितना गया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितना है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ये बोले कि आप ना इनडायरेक्ट से चलो, ऊपर से मत चलो। इनडायरेक्ट का मतलब है ऊपर से नहीं, नीचे से स्टार्ट करो। ये बोले आप स्टार्ट करो PL अप्रोप्रिएशन से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने PL अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस लेंगे कि आखिर PL अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस है कितना। देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन PL अप्रोप्रिएशन, तो PL अप्रोप्रिएशन देखिए कितना हो गया। PL अप्रोप्रिएशन 210,000 से 552,000 हो गया। 552,000 का प्रॉफिट हो गया 210,000 से, ठीक है जी। ये हो गया डिफरेंस इन PL, 552,000 माइनस, एक सेकेंड, डिफरेंस इन PL अप्रोप्रिएशन, साथ के साथ लिखते जाइएगा, दिख तो रहा होगा आपको। फुल स्क्रीन मैं दिखूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वैसे तो अब आसानी है ना। 552,210, 552,210 माइनस 210,000, 342,000, ठीक है। ये ले लीजिए सबसे पहले। अब मैं आपको बताता हूं, मैं उल्टा चल रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, देखिए PL अप्रोप्रिएशन के किसी भी आइटम से, किसी भी आइटम से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करिए, जितने आइटम आपने खर्चों में डाले हैं सारे ऐड कर दीजिए। अब जरा देखिए क्या क्या ऐड हो जाएगा, जितने भी आइटम आपने खर्चों में डाले हैं सारे ऐड कर दीजिए। प्रपोज डिविडेंट, इंट्रीम डिविडेंट, CDT, प्रिफरेंस शेयर, जनरल लेजर में ट्रांसफर, सब ऐड कर दीजिए। ऐड करना चालू करते हैं, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,00,000 रुपए, प्रीफ्रेंस CDT इंटरिम प्रपोज, प्रीफ्रेंशियल डिविडेंड
सी डी टी इंट्रिम डिविडेंड, प्रीपोज डिविडेंड, और प्रीपोज डिविडेंड कौन सा वाला होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में करंट ईयर वाला। करंट ईयर वाला होगा, सब ऐड कर दीजिए। तो जी 1,00,000, 1,20,12,32, 1,20,12,32। और सही बात आपको बताऊं तो ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिखना नहीं होता, मैं एरो बना दे दूंगा। एरो बनाने का मतलब है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे जिससे हम समझ पाए। हम यहां पर लिखेंगे जिससे कि हम समझ पाए कि किस तरह से कैश फ्लो काम कर रहा है। एग्जाम में जहां जहां एरो बना रहा हूं वो हेड नहीं लिखने की जरूरत, यानी हमें यहां बीच में रुककर टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। आप टोटल करके देख लीजिए, तीन 42 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20 प्लस 12,000 प्लस 3,00,000 प्लस 2,00,000, 10,74,000 पर आप पहुंच गए। आपको यहां टोटल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिससे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो कि हम क्यों टोटल कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूं। और जरा जाकर देखिए, हम 10,74,000 पर पहुंच गए, ठीक है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम ऊपर से नीचे आए थे डायरेक्ट मेथड में, सेल के लिए से कितना मिला, क्रेडिटर को कितना दिया, वेजेज का कितना दिया, ऊपर से चल रहे थे। अब हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, इनडायरेक्टली जा रहे हैं वहां पर। नीचे से ऊपर चले, पीएल एप्रोप्रिएशन हमने पार कर लिया, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन आपने पार कर लिया, 10,74,000 पे पहुंच गए आप। अब आप इस अकाउंट से कूद के यहां पहुंच गए, ठीक है। 10,74,000 पे पहुंच गए, और ऊपर चलो, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ऐड करो ये खर्चा, ऐड करो ये खर्चा, ऐड कर देते हैं जी, हमने कब मना करा। ऐड करिए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करिए। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या दें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारे पास 714,120, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, एक्सपेंसेस यानी 20,000 के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, ठीक है जी, यहां तक आ गए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, गवर्नमेंट की सब्सिडी को माइनस करो, इफेक्ट हटा रहे हैं, जैसे कह रहा हूं बस करते जाइएगा। लेस गवर्नमेंट सब्सिडी, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गवर्नमेंट सब्सिडी, रेंट ले लिया, डिविडेंड ले लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन बिल्डिंग, ठीक है। घर पे जाके पढ़ेंगे आज ही से, बिल्कुल क्लियर होगा। 5,50,30,80, 5,50,30,80, जो प्लस किया है वो माइनस कर रहा हूं, जो माइनस किया है वो प्लस कर रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, बिल्कुल सब कुछ उल्टा करता जा रहा हूं, ठीक है। ये मैं पहुंच गया हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। आपको बीच में यहां पर टोटल करने की जरूरत नहीं है,
एरो के साथ में कट भी लगा दीजिएगा, टोटल करने की जरूरत नहीं है, सीधे चलते चले जाएंगे। सीधे चलेंगे मतलब कैसे चलेंगे, आप लोग अभी पहले ये कर देता हूँ, 10,74,000 तक पहुँचे थे हम, 7,14,000, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 5,00,000, माइनस 50,000, माइनस 30,000, माइनस 80,000, 13,68,000, 13,68,000। सीधे देखिएगा, पहले पीएल का डिफरेंस लीजिए, रिजर्व में ट्रांसफर किया, प्रीफ्रेंस डिविडेंड दिया, सीडीटी दिया, इंट्रिम दिया, प्रपोज डिविडेंड दिया, पहुंच गए नेट प्रॉफिट पर। अब मैं बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई बार डिविडेंड वगैरह ऐड नहीं होता। अगर आप लोगों को ध्यान हो कैश फ्लो में, अकाउंट में दिक्कत रहती है बच्चों को, कई बार डिविडेंड ऐड नहीं होता, तो कब ऐड नहीं होता, देखिए कब ऐड नहीं होता, अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे दे तो बताइए, मुझे ऊपर का ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर सकता हूं मैं। इसका नोट लिखेंगे, बाद में नोट लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड विविडेंड ऐड कर दिया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, गवर्नमेंट सब्सिडी को माइनस करिए, रेंट डिविडेंड प्रॉफिट सब माइनस कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ गए। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच गए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जब आप पहुंचेंगे, डेप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रिशिएशन नॉन कैश है, नॉन कैश का कैश फ्लो में क्या काम, इसे भी हटाइए। माइनस हुआ था पीएल में, पीएल में खर्चा था तो ऐड कर दीजिए, पीएल में माइनस हुआ होगा उसे ऐड कर दीजिए, ऐड नॉन कैश आइटम, नॉन कैश में सब कुछ आ जाएंगे। यहां अभी हमने डेप्रिशिएशन लिया है, मान लीजिए गुडविल राइट ऑफ की गई है, मान लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किए गए, सब आ जाएंगे। कितना डेप्रिशिएशन था, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 रुपए तक अब हम पहुंच गए। ये है हमारा ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आप सीधे आकर यहां पर रुकेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसे कई लोग बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख सकते हैं। यहां पर आप आके टोटल करेंगे, सीधे ऊपर से चलेंगे तो सीधे यहां पर आकर रुकेंगे, बीच में कोई नेट प्रॉफिट वेट प्रॉफिट कुछ नहीं लिखना। यानी आपको स्टार्ट करना है कैसे, डिफरेंस इन पीएल से स्टार्ट करना है, जनरल रिजर्व जोड़ो, प्रीफरेंशियल डिविडेंड, सीडीटी, ये सब जोड़ते जाओ, कोई नेट प्रॉफिट नहीं लिखना बीच में, जोड़ते जाओ सीधे, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट माइनस करो, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये वो कुछ नहीं लिखना, डेप्रिशिएशन ऐड करो, सीधे लिखोगे आकर फंड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारे पास, ठीक है जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब मैं आपको लेकर जाता हूं इनकम स्टेटमेंट में, और मैं आपको फर्क बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और एक्रूअल का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर होता है, जबकि कैश फ्लो होता है आपका कैश बेसिस पर। कैश से एक्रूअल जाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, कैश से एक्रूअल कैसे जाते हैं, कैश से एक्रूअल जाने का तरीका होता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट। मान लीजिए मैंने 2,00,000 रुपए का किराया दिया जिसमें 10,000 प्रीपेड है, तो मैंने दिया 2,00,000 है। अगर कोई मुझसे पूछे पेमेंट कितनी करी, तो मैं कहूंगा जी पेमेंट करी 2,00,000। कोई मुझसे पूछे 10,000 तो एडवांस है, एक्रूअल कितना है, तो मैं कहूंगा 1,90,000 इस साल का है, 10,000 तो अगले साल का है, 10,000 तो अगले साल का है ना भाई। तो मेरे पास अगर मैंने 2,00,000 रुपए का किराया दिया है
तो कैश बुक में या कैश फ्लो में 2 लाख रुपए आने चाहिए जितने आपने पे किए हैं। अगर 10,000 एडवांस है, बताइए पीएल में कितना आएगा? पीएल में आएगा एक्रूअल 1,90,000। मुझे बता सकते हैं कि आप कैश से एक्रूअल पर कैसे गए? कैश से एक्रूअल पर आप गए प्रीपेड के एडजस्टमेंट के थ्रू। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास पीएल बना हुआ है। इस टाइम में किसके अंदर बात कर रहा हूं? मैं पीएल में हूं। मुझे जाना कहां है? मुझे पीएल से जाना है पेमेंट की तरफ, तो मुझे फिर से प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट करने होंगे। ठीक है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का मुझे एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट करने का तरीका है, आप मुझे देखकर बताइए एडजस्टमेंट किसका होगा। एक तो रेंट, तो रेंट के प्रीपेड का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होगा। तीसरा, वेजेज के आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होगा। चौथा, सेल है डेटर्स का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा। परचेज है तो क्रेडिटर का एडजस्टमेंट होगा। ये 5 एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ेंगे, सेल के लिए डेटर का, परचेज के लिए क्रेडिटर का, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का तो करना ही है, और वेजेज में आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में आउटस्टैंडिंग का, एडमिन में रेंट पेड का, प्रीपेड का एडजस्टमेंट मुझे करना है। इन्होंने इसका शॉर्टकट तरीका बताया, बोले कि आप ऐसे सोचिए, सोचने का तरीका देखिएगा, आप ऐसे सोचिए एड, ये बोले आप ऐसे सोचिए, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ी है, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है वो तब बढ़ी होगी जब आपने पैसे नहीं दिए। सोच के देखेगा, मेरी लाइबिलिटी कब बढ़ेगी? मेरी लाइबिलिटी तब बढ़ेगी जब मैंने किसी को पैसे नहीं दिए होंगे। तो ये बोले अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है, इसका मतलब आपने किसी को पैसे नहीं दिए, और किसी को पैसे ना देना पैसे आना है। देखिएगा, इनका कहना है कि आपने, अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी बढ़ी, मान लो मुझे रेंट 10,000 रुपये, पिछले साल 10,000 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग था, इस साल रेंट 20,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल 10,000 का आउटस्टैंडिंग था, इस साल 20,000 का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपने 10,000 रुपये का और रेंट नहीं दिया। और रेंट ना देना एक तरीके से कैश ना देना, कैश का आना है। तो इन्होंने कहा आप क्या करिए, आप ऐड करिए इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कम हुई, मान लीजिए डेटर कम हुए, बताइए डेटर कैसे कम होंगे? डेटर तब कम होंगे जब डेटर ने मुझे पेमेंट कर दी होगी। तो ये बोले अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, या फिर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, या करंट एसेट डिक्रीज हुई है, उसे ऐड कर दीजिए लेस, इसका जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ वही करंट एसेट और लाइबिलिटी आएंगी जो करंट एसेट और लाइबिलिटी हमारे पीएल अकाउंट में रेलिवेंट होंगी। जैसे कि मेरे पीएल अकाउंट में, बताइए रेलिवेंट, एक तो रेंट का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का, वेजेज का आउटस्टैंडिंग, परचेज की वजह से क्रेडिटर का, स्टॉक तो है ही है, और डेटर्स। अब जरा बैलेंस शीट दिखाता हूं मैं आपको। बैलेंस शीट के अंदर देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी है, लेकिन हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि पीएल में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज आएगी, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिटर आएंगे, डेटर आएंगे, स्टॉक आएंगे, कैश एंड बैंक करंट एसेट और लाइबिलिटी है लेकिन नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है लेकिन नहीं आएगा, प्रीपेड रेंट आएगा। यानी जिनकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फर्क पड़ा है, तो सीधी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आते, बाकी सब आता है। इसको भी नोट में लिखेंगे अभी हम, ठीक है, आ जाइएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ढूंढते हैं पहले। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 40 से 50 हो गई वेजेज, क्रेडिटर हो गए 4 से 5, ठीक है।
इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेज, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। वेजेज हो गई 40 से 50, 4 से 5, ठीक है। 10,000 की वेजेज बढ़ी, 1,00,000 के क्रेडिटर बढ़े। अब देखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट दोनों में से कोई नहीं है। प्रीपेड प्रीपेड है 60 से 40, साठ से चालीस 20,000 रुपये डिक्रीज हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड, एक लाख से 70, 30,000 डिक्रीज। फिर है इंक्रीज इन करंट एसेट, डेटर इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज, डेटर इंक्रीज और स्टॉक इंक्रीज दोनों इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, डेटर्स कितने स्टॉक कितना, डेटर्स 2,00,000, स्टॉक 1,00,000। ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आप एक बार कर दीजिए, फिर आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं इसे। 16,18,000 प्लस 10 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 14,18,000। और मैं आपको बता दूं, आप लोग घूम फिर कर कहां पहुंच गए हैं जरा जाकर तो देखिए। आप लोग कैश फ्लो ये 14,18,000 आ रहा है, 14,20 आना चाहिए, 14,20,000 आना चाहिए भाई, ऐसा ना करो तुम जुलम। प्रोविजन फॉर टैक्स 7,14,000 है, 7,16,000। यही तो लाइव क्लास में ये दिक्कत नहीं होती। आप लोगों ने तो खैर ठीक ही लिखा होगा, आई होप। हाँ जी, 14,20, वो 2,000 रुपये का प्रोविजन फॉर टैक्स गलत लिख दिया था,
लाइव क्लास में बच्चे टोक देते हैं, अब अकेला मास्टर क्या क्या करे बताओ आप ही। अच्छा खैर 14:20 पर हम पहुंच गए, आप देखें तो बस अब सेम स्टार्ट हो जाएगा, लेस पेमेंट ऑफ टैक्स। और ऐड कर दीजिए सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गई आपको, ये आ जाएगा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देख रहे हो कितना पागल बना रहे हैं लोग आपको, अगर आप ध्यान से देखो कितना सीधा काम इन्होंने कितना भारी बनाकर रखा है, बच्चा पागल हो जाए इनडायरेक्ट मेथड से। अरे डायरेक्ट मेथड से सीधा सीधा करवाओ बच्चे से, बच्चे को पागल बनाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल पागल बनाने में लगे हुए डायरेक्ट मेथड में। ये जरा देखिए तो सही क्या करा है हमने, यहां से लेकर यहां तक ये देख रहे हैं आप, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है। और यही जरा डायरेक्ट मेथड में देखना, यहां ऑपरेटिंग स्टार्ट हुई और यहां पर ऑपरेटिंग खत्म, बस इतनी सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। और इन्होंने देखिए क्या पागल बनाया बच्चे को, ये देखिए यहां से ऑपरेटिंग स्टार्ट करके जोड़ता जा, उल्टी कैलकुलेशन करता जा, उल्टी कैलकुलेशन कैसे चल रही है वो देखना है। खैर इतना नोट करिए, अगर आपको कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आर सेम इन बोथ बोथ मेथड्स, ठीक है। एक तो ये, दूसरा नोट, करंट एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन कैश फ्लो। CL equals to CL excluding provision for tax proposed dividend unclaimed dividend etc. Because these are not related to operating profit. जो operating profit से related working capital होगी वो ही आएगी बस, जैसे कि outstanding wages, prepaid rent, डेटर क्रेडिटर ये ही आएंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जुड़े होंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये कैश फ्लो का काम खत्म, इसे नोट कर लीजिए, कैश फ्लो का दी एंड। आप लोग मैंने देखिए, मैं आपको कैश फ्लो नहीं सिखा रहा, मैं आपको कैश फ्लो नहीं सिखा रहा, मुझे पता है अकाउंट में सबने पढ़ाए, 11th 12th में सबने पढ़ाए, मैं आपको कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि कैश फ्लो की आखिर डिजाइनिंग क्या है, सिर्फ कैश फ्लो की डिजाइनिंग दे रहा हूं मैं आपको, बाकी मैं कैश फ्लो आप लोगों को नहीं सिखा रहा। मुझे पता है कैश फ्लो आप लोगों को आता है, मुझे ये सिखाने कैश फ्लो का स्ट्रक्चर क्या है। आप लोग जिन्हें नहीं आता, जिन्होंने नहीं करा आज तक कैश फ्लो, सिर्फ जो नोट किया है आपने उसे घर पे जाके पढ़िएगा, इसका एग्जाम्पल पढ़िएगा, बहुत इफेक्टिव है, बहुत फायदा मिलेगा आपको। बस अलग अलग एडजस्टमेंट आती रहेंगी, वो आप पहले सीख चुके हैं अकाउंट्स में। दूसरा मुझे सिखाना है फंड फ्लो, आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, फंड फ्लो दुनिया का सबसे आसान है, इसे नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। फंड फ्लो 5 मिनट का भी काम नहीं है, फंड फ्लो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग देखेंगे फंड फ्लो।
देखेगा। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेप वन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट लाइबिलिटीज सेम एज इन कैश फ्लो, दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड एटसेट्रा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। स्टेप टू, प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये दो स्टेप हैं इसके, एक वर्किंग कैपिटल चेंजेज, दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। नोट कर लीजिए, फिर ऊपर वाले एग्जाम्पल का फंड फ्लो बनाते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल का फंड फ्लो बनाते हैं। हाँ जी, आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास। इसमें दो स्टेप हैं, मैं स्टेप वन आपको सिखाऊंगा स्टेप टू के बाद। पहले स्टेप टू सिखा रहा हूं, फिर स्टेप वन। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। अब आप लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप लोग देखेंगे। जब मैं कहूंगा आप लोग तब लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के अंदर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट सिखा रहा हूं। फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अबव एग्जाम्पल, ठीक है? आप लोग बनाएंगे नहीं, आप लोग सिर्फ देखेंगे। इसका ये वाला हिस्सा है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब पैसा कहां से आया इस साल, अमाउंट। ये वाला हिस्सा है एप्लीकेशंस ऑफ फंड। एप्लीकेशंस ऑफ फंड का मतलब पैसा कहां पर लगाया इस साल। सोर्स यानी पैसा आना, एप्लीकेशन यानी पैसा जाना, ठीक है? आप लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ देखिएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, फिर दो मिनट में कॉपी कर लीजिएगा। मैं आपको कैश फ्लो पर लेकर चल रहा हूं, कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर लेकर चल रहा हूं मैं आपको। हमने कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये बनाई थी,
ठीक है जी, ये कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी। देखिएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे बताइए आपने शेयर्स इशू करे, पैसा आया या गया? पैसा आया। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 6,60,000, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पैसा जा रहा है 2,05,000। लिखेंगे नहीं आप जब तक मैं ना कहूं, देखते रहिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पैसा गया। प्रीफ्रेंस डिविडेंड एंड सीडीटी, पैसा गया। इक्विटी डिविडेंड इंट्रीम और प्रपोज, पैसा गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पैसा गया। प्रीफ्रेंशियल डिविडेंड प्लस सीडीटी, पैसा गया। इंट्रीम डिविडेंड, पैसा गया। प्रपोज डिविडेंड, पैसा गया। एक 20, एक 32, 3 और 1.5। 1,20, 1,32, 3 और 1.5, ठीक है जी। आप समझ रहे हैं फंड फ्लो में करना क्या है? आपको कैश फ्लो बनाना आता है तो आपको फंड फ्लो तो वैसे ही बनाना आता है। अब हम आगे इन्वेस्टिंग पर, आप लोग लिखेंगे नहीं जब तक मैं ना कहूं। रेंट रिसीव, पैसा आया। डिविडेंड रिसीव, पैसा आया। सेल ऑफ बिल्डिंग, पैसा आया। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पैसा आया। रेंट रिसीव्ड, पैसा आया। डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आया। सेल ऑफ प्लांट, पैसा आया। सेल ऑफ बिल्डिंग, पैसा आया। पचास 30, 3,5,80। 50, 30, 3, 5,80, ठीक है। बिल्डिंग परचेज करी, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, पैसा गया। परचेज ऑफ बिल्डिंग, पैसा गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा गया। ठीक है जी, पैसा जाए तो एप्लीकेशन, आए तो, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। गवर्नमेंट सब्सिडी, पैसा आया। टैक्स, पैसा गया। गवर्नमेंट सब्सिडी, पैसा आया। टैक्स, पैसा गया। ठीक है, यहां तक आ गया। और ये है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, देखिएगा कहां, ये रहा। ऑपरेटिंग के अंदर सब्सिडी से पैसा आया, पेमेंट से पैसा गया, यहां तक हम लोग आ गए। अब देखिएगा, अब दो चीजें आपके पास पड़ेंगी। आप देखिए, फाइनेंसिंग पूरा कर चुके हैं, फाइनेंसिंग का सब कुछ आंखें बंद करके डालिए और इन्वेस्टिंग का सब कुछ आंखें बंद करके डालिए। अब आपके पास आता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का टैक्स डाल दीजिए, सब्सिडी वगैरह डाल दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, सब्सिडी और पेमेंट ऑफ टैक्स आ गई आपकी, टैक्स गया, सब्सिडी आई, ये बीच में वर्किंग कैपिटल चेंजेज है और उससे ऊपर है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन से पैसा आया, बीच में बचेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेज। इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेज का नेट निकालेंगे और ऊपर वाला ले लेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीधे लेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन,
ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया वर्किंग कैपिटल चेंजेज के अलावा। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज देखिए, अगर मैं आपको कहूं मैंने यहां से इसकी नेट अमाउंट उठाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन की, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां से इसकी नेट अमाउंट उठाई और बीच का सब कुछ गायब कर दिया, मैंने टैक्स भी उठा लिया, मैंने सब्सिडी भी उठा ली, यानी मैं सब्सिडी उठा चुका हूं, मैं टैक्स उठा चुका हूं, मैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन उठा चुका हूं, बीच का मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन है 16,20,000, ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है 16,20,000, ठीक है। आप इतना करके बस वर्किंग कैपिटल चेंजेज रह गया है, आप इसका टोटल करके देख लीजिए एक बार दोनों तरफ में से किसका टोटल ज्यादा है, 6,60,000, 50,000, 30,000, 3,00,000, 5,80,000, 5,00,000, 16,20,000, इधर का टोटल है 37,40,000, यानी बिजनेस में 37,40,000 इन्फ्लो है, 2,00,000, 5,00,000, 1,20,000, 1,32,000, 3,00,000, 1,50,000, 10,00,000, 6,00,000, 4,90,000 और ये है 34,92,000। एक बार फिर से टोटल कर देता हूँ, मैं बड़ी गड़बड़ी मार रही हूँ क्योंकि आज 2,00,000, 5,00,000, 1,20,000, 1,32,000, 3,00,000, 1,50,000, 10,00,000, 6,00,000, 4,90,000, 34,92,000, 6,60,000, 50,000, 30,00,000, 3,00,000, 5,80,000, 5,00,000, 16,20,000, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 3,740 आया है, 3,492 गया है, जो टोटल बड़ा है वो लिख लीजिए, 3,740। और बैलेंसिंग फिगर आप लिखेंगे 3,740 आया, 3,492 गया, तो बाकी पैसा कितना, 3,740 माइनस 3,492, बाकी पैसा है 2,48,000। ये वर्किंग कैपिटल की वजह से है, बाकी तो हम सब कुछ कवर कर चुके। आप ध्यान से देखिए, हम पूरा का पूरा फाइनेंसिंग कर चुके हैं, पूरा का पूरा फाइनेंसिंग कर लिया हमने, कुछ नहीं छोड़ा, पूरा इन्वेस्टिंग कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा, यहां पर हमने सब्सिडी कर ली, पेमेंट ऑफ टैक्स कर लिया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कर लिया, सिर्फ बीच का ये पार्ट छोड़ा है वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ होगा, हमने कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाया होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अगर यहां पर होता बैलेंसिंग फिगर तो होता डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, तो अमाउंट विड्रॉन वाला केस नहीं है यहां पर, यहां पर केस है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नोट करिए, सेकंड स्टेप से और क्लियर हो जाएगा आपको। इसे नोट करिए, इसे नोट करिएगा।
हाँ जी देखिएगा, नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिएगा इसका दूसरा स्टेटमेंट जो इसका वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट या स्टेप वन, वर्किंग नोट ही कहते हैं वैसे इसे, जनरली वर्किंग नोट में बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज, वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी आती है, दोनों साल की निकालनी है, 2012 की भी 2013 की भी, जिससे हम इंक्रीज डिक्रीज देख पाए। वर्किंग कैपिटल निकालने में आप लोग परफेक्ट हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में आपको लेने हैं डेटर्स, करंट एसेट्स में आपको लेना है स्टॉक, करंट एसेट्स में आपको लेने हैं प्रीपेड रेंट, और करंट एसेट्स में आपको एक और चीज लेनी है, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आप ध्यान से जाके पढ़ें जो मैंने आपको लिखवाया, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ये हो जाएगा टोटल ए। एक सेकंड के लिए रुकते हैं और जरा जाकर देखते हैं कहां लिखवाए थे। ये देखिएगा, करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी लिए जाएंगे इस बार, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज वैसी ही जैसे कैश फ्लो में थी। मैं थोड़ा, आप लोग इस इतना नोट करिए, मैं थोड़ा थोड़ा टीप टीप के लिखता जाता हूं पीछे से। 6 लाख है 8 लाख, 6 लाख 8 लाख, स्टॉक 1-2, 1 लाख 2 लाख, प्रीपेड रेंट 60-40, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 270-318। अलग अलग भी दिखा सकते हो आप इन्हें, ठीक है। ये हो गई मेरी करंट एसेट्स, 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए, 2,70,000, 10,30,000, 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 40,000, 3,18,000, 13,58,000। करंट लाइबिलिटीज बी, करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन एक्सपेंसेज और क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर टैक्स वैक्स नहीं लेना आपको, टोटल बी हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा आपके पास वर्किंग कैपिटल।
आउटस्टैंडिंग वेजेज 40 से 50, 1 से 70। 40 से 50, 1 से 70 क्रेडिटर्स, 4 से 5। पांच लाख 40 हजार और ये हो गया 6 लाख 20 हजार। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 10 लाख 30 हजार माइनस 5 लाख 40 हजार। मेरी वर्किंग कैपिटल 4 लाख 90 हजार थी पिछले साल, 13 लाख 58 हजार माइनस 6 लाख 20 हजार, और मेरी वर्किंग कैपिटल 7 लाख 38 हजार है इस साल। इसका मतलब मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल में इस साल पैसा लगाया है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मेरी वर्किंग कैपिटल 4 लाख 90 हजार थी और 7 लाख 38 हजार हो गई, इसका मतलब मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया है। कितना पैसा लगाया जी? 2 लाख 48 हजार रुपये मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल में लगाए हैं और वो 7:38 हो गई। तो इसका मतलब आपने करी है एप्लीकेशन ऑफ फंड, आपने अपने फंड के 2 लाख 48 हजार रुपये वर्किंग कैपिटल में लगाए हैं। ये 2 लाख 48 हजार मैच करना चाहिए आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट के 248 से, तो फिर आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। क्वेश्चन परफेक्ट है फिर आपका। डिक्रीज होती, इसका मतलब मान लो 4.90 से 2.90 हो जाती, इसका मतलब मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाला है, तो वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से आता। नोट कर लीजिएगा इसे, दी एंड ऑफ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। ये था कैश फ्लो फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। घर पे जाके पढ़िएगा, बैठ के देखिएगा आपको क्या लिखवाया है। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लिखवा दिया आपको। जिन्होंने कैश फ्लो फंड फ्लो पहले से जानते हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, जो नहीं जानते हैं बैठ के पढ़िएगा, मैसिव डिफरेंस नजर आएगा आप लोगों को। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ की। तो कैश फ्लो फंड फ्लो किस तरीके से डिजाइन है वो मैंने आपको समझा दिया है। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अकाउंट में वैसे ज़्यादा एडजस्टमेंट होती हैं। कॉस्ट एफएम में बहुत बहुत आसान क्वेश्चन आता है, क्योंकि कॉस्ट एफएम में अकाउंट की एडजस्टमेंट नहीं होती। अकाउंट में भारी आता है कैश फ्लो फंड फ्लो, एफएम में भारी नहीं आता, सीधा सीधा आता है, बहुत सिंपल आता है। तो लिखने का टाइम दे रहा हूँ अभी, आपको कोई भी डाउट हो कुछ हो, फ्राइडे तो हम लोग क्लास रखेंगे, फ्राइडे आप लोग पूछ लीजिएगा। आईआरआर करवाना एक तो उसमें टाइम मेरे को आपको, और कैश फ्लो फंड फ्लो के बारे में जो डाउट है वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन में करवा नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं बचा हम लोगों के पास। थ्योरी की बुक आपके पास एक आएगी 15 से 20 तारीख के आसपास, बिल्कुल क्लियर साफ थ्योरी है उसमें, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के, जरूरत नहीं है दिमाग मारने की। बाकी आप प्रैक्टिस मैनुअल से भी पढ़ेंगे तो वही थ्योरी है, जो प्रैक्टिस मैनुअल की थ्योरी है वही टाइप करवाइए बिल्कुल। तो प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़िए या थ्योरी की बुक देख लीजिए, उसमें कैश फ्लो फंड फ्लो के मैं क्वेश्चन भिजवा दूंगा आपके पास सोल्ड। 12 पास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व करके भिजवा रहा हूँ, उन्हीं में से आएगा आएगा तो पढ़िएगा, वो समझ में आ जाएंगे, सिंपल तरीके से सोल्व करवाए हुए। नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, फिर निकल जाइएगा अपना। आप लोगों से मिलेंगे फिर फ्राइडे, जो बचा हुआ है उसे देख लेंगे उस टाइम। बाय बाय।